विश्वविद्यालय में कक्षा तीसरी क्लास की बच्ची के ऊपर अचानक चलता हुआ पंखा गिर गया, जिसके कारण उक्त बच्ची को गंभीर चोट आई। छात्रा का नाम प्रतिष्ठा मेवाड़ा, पिता कल्याण सिंह मेवाड़ा, निवासी बाईपास अलीपुर है, जो कक्षा तीसरी की छात्रा है। घटना की जानकारी मिलते ही फादर मेलविन सीजे छात्रा को भोपाल ले गए, जहां बच्ची का उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण काफी ब्लड बह चुका है। निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। छात्रा के पिता कल्याण सिंह मेवाड़ा ने बताया कि आंख के ऊपर पेशानी पर चोट आई है, अभी बच्ची खतरे से बाहर है और उपचार चल रहा है। भारतीय न्यूज के लिए मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। नगर के एक स्कूल में एक पंखा गिरने की घटना हुई है, किस तरह की घटना हुई है और क्या मामला था? पुष्पा हॉस्पिटल स्कूल में कक्षा तीसरे की बच्ची के कक्षा में एक पंखा गिरा है। जैसे मुझे सूचना प्राप्त में गया था, बच्ची को अभिभावक और प्रिंसिपल भोपाल देखे गए हैं। अभी कैसी स्थिति है? अभी सूचना करके बताते क्या स्थिति है। सर, ये घटना कैसे क्या हुई, कुछ जानकारी आई? ये वो पंखा लगा हुआ था, पंखे का नट टूटा और पंखा गिरा। तो इस तरह की जो है लापरवाही स्कूल गवर्नमेंट के देखने को मिल रही है, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी? आगे सूचित किया है प्रिंसिपल को मोबाइल पे कि सभी समस्त पंखे का सुधार मेंटेन करें, इसके बाद ही क्लास का संचालन करें। इसके अलावा भी अन्य स्कूल भी संचालित हो रहे हैं शहर के अंदर, जहाँ पर इस तरह की जैसे घटना हुई है, तो इस घटना से सबक लेकर के अन्य स्कूलों को भी कोई मार्गदर्शन करेंगे? सभी के लिए ऐसा पैसा एक आदेश प्रसारित करेंगे कि सभी स्कूलों में जो पंखे कैसे उनको एक बार रिपेयरिंग करें, जरूर करें। छात्रा का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, फिलहाल छात्रा खतरे से बाहर बताई जा रही है। आष्टा से मोहम्मद सादत की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।